सागर जिले के सागर क्षेत्र में खाद एवं बिजली की समस्या से जूझ रहे किसानों की समस्याओं को लेकर भाजपा द्वारा एक बार फिर से धरना प्रदर्शन किया गया है। भाजपा मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में यह धरना खाद सोसाइटी पर किया गया है, जहां पर किसानों के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्याओं को रखा और बताया कि खाद की सप्लाई को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया गया है। के तहत 12 बजे से 3 बजे तक संपूर्ण मध्य प्रदेश में धरना दिया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में हमारे साहेगढ़ में भी हमने डबल लाख में 12 बजे से 3 बजे तक किसानों की समस्याओं को लेकर यूरिया के लिए 2 बोरी मिल रही है और वो भी किसानों को थाने में लाइन में लग रहा है। इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष होने के नाते हमने किसानों के हित में धरना दिया और किसानों को यूरिया की बड़ी किल्लत पड़ी है। मध्य प्रदेश सरकार जो आज बैठी है उनको सोचना चाहिए किसानों का क्या गुनाह है, तो थाने में जाके उनको लाइन में लगाया जाए। अभी थाने में हो? अभी हम थाने में आए हैं, वहाँ पर धरना में ही बैठे हैं। 3 घंटे धरने के बाद में थाने में स्वयं आया हूँ कि यहाँ अधिकारी लाइन में लगाए हुए जी हमारे किसान बंधु खड़े हैं, तो उनको यदि लाइन में से ना जमा हो जाते तो बड़ी अवस्था के साथ और किसानों के साथ भी बहुत आज का दिन काला दिवस के रूप में मानते हैं। किसान अन्नदाता है मध्य प्रदेश में, उसको इस प्रकार लाइन में लग के अपने पैसा देकर भी मुसीबत मोल लेना पड़ रही है। जो किसान लोग परेशान हैं तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, ये कांग्रेस शासन जो है वो पूर्ण मध्य प्रदेश में किसानों के साथ बहुत अन्याय कर रही है और ना यूरिया दे रही है, ना उनको बोनस दे रही है, और जो कर्ज माफ़ी के तहत आज मध्य प्रदेश में जो राज कर रही है, ना ही वो पूरा कर्ज माफ़ी किया उन्होंने। 2 लाख का कर्ज माफ़ी आज तक किसी भी किसान का नहीं हुआ है। और हम भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में किसानों के हित में ये खेत आंदोलन पे आज हम लोगों ने किया है कि किसानों को यूरिया समय से मिले और किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है आज थाने में, यह कंडीशन है आज मध्य प्रदेश की के लोगों को थाने जाके अपनी पर्ची कटवानी पड़ रही है। जबकि पिछले 15 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है तो कभी भी किसानों के साथ कोई भी अन्याय ना हुआ है और ना ही किया है। यूरिया समय से मिलती रही, बोनस समय से मिलता रहा और किसानों को कभी भी ऐसी कोई भी परेशानी नहीं हुई। इसके तहत आज हम लोगों ने ये भारतीय जनता पार्टी ने किसान आंदोलन किया हुआ है।